Hello students, how are you? I hope all of you will be very fine, fit and healthy. So students, in previous class we are discussing about number line, different type of operations on number line like addition, subtraction and multiplication, division of whole numbers. Whole numbers ke bare mein padh rahe the hum. Whole numbers. So we were already discussed about them. We have to already study about them. Whole numbers which is starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? This is called whole numbers up to infinite. But strings, here we see that some successor and precedence of numbers plus 1 and minus 1 operations. So now we are starting exercise 2.2. 2.2, it means we have to see some properties like closure property, commutative property and associative properties. So yahan par hum dekhenge properties of whole number. Properties of whole number. ठीक है स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्या नाम है उसका? क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSER. CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी. इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, है ना, is a whole numbers, let us take some pairs whole numbers and add them. We can then check whether the sum is a whole number. ठीक है, अगर a and b मेरे पास दो whole numbers हैं और इनको मैं add करता हूँ तो मेरे पास जो इनका sum आएगा, है ना, जो c आया वो भी क्या होगा? whole number होगा. Like 2 मेरे पास एक whole number है और 3 भी मेरे पास क्या है? एक whole number है. तो मेरे पास जो answer आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा. तो ये 5 भी क्या होगा? एक होल नंबर्स होगा. तो होल नंबर्स को मैं ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. ठीक है ना, इसको आप लिख लेना a प्लस बी इज इक्वल टू सी, वेयर a, b एंड c आर होल नंबर्स. So we have to already discussed about whole numbers. Now taking next property, the name of next property is commutative property. Commutative property. Commutative property, second number. It means commutative. Commute करना का मतलब होता है positions को change करना, इधर से उधर, उधर से इधर. अगर मैं A में B को जोड़ता हूँ तो इसका मतलब अगर मैं B में A को add करता हूँ तो मेरी बात equal होगी, है ना. अगर मैं 5 में 2 को add करता हूँ और इन दोनों की position को interchange कर दूँ, मतलब 2 में किसको add कर दूँ? 5, तो मेरा आंसर दोनों कंडीशन में सेम आना चाहिए, जबकि 5 और 2 दोनों क्या हैं? होल नंबर्स. ठीक है ना, तो दोनों होल नंबर्स को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो देखिएगा 5 और 2 को ऐड करूँगा तब भी 7 आएगा, और 2 और 5 को ऐड करूँगा तब भी मेरे पास 7 आएगा. तो ये दोनों कंडीशन में, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूट करना यानी पोजिशन को इंटरचेंज करना.
अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये बात समझ आई? ठीक है, इनको नोट करते जाना बेटा, जो भी लिख रहा हूँ ना उसको नोट करते जाना। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ ए बी सी आर एनी थ्री होल नंबर्स, है ना, ए बी एंड सी आर एनी थ्री होल नंबर्स, नंबर्स, नाउ कंसीडर इफ फर्स्ट आई एड ए प्लस बी, देन आई विल एड सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू इफ आई एड ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं ए प्लस बी में सी को ऐड कर दूं, ए और बी को पहले जोड़ लूं और फिर उसमें सी को ऐड करूं, तो मैं उसका मेरा जो इक्वल आएगा वो क्या आएगा, अगर मैं ए को छोड़कर बी प्लस सी को ऐड कर दूं, लुक हियर एक वन एग्जांपल, अगर मैं 5 प्लस 2 कर रहा हूं और प्लस 3 कर रहा हूं, तो यदि मैं ऐसा लिखूं कि 5 प्लस 2 प्लस 3, दोनों कंडीशन में मेरा आंसर सेम आना चाहिए। 5 प्लस 2 कितना होता है 7 प्लस 3, और यहाँ पे ये कितना होता है 5 प्लस 5। अब देखिए 7 और 3 का मतलब भी 10 होता है और 5 और 5 का एडिशन भी 10 होता है, तो दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। मतलब अगर मेरे पास कोई तीन होल नंबर है और अगर मैं दो को ऐड करके उसमें फिर तीसरा ऐड करूँ, या फर्स्ट वाले को छोड़ दूँ और लास्ट के दो को ऐड करके फिर उसमें फर्स्ट वाला ऐड करूँ, तो दो मेरा आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब मैं किसी को भी एसोसिएट साथ में ले सकता हूँ, किसी से दो नंबर्स को, किसी दो होल नंबर्स को एसोसिएट कर सकता हूँ। बात समझ आई? ठीक है, एसोसिएट करना यानी साथ में लेना, है ना, तो एसोसिएशन ये लिख लेना आप, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज यही कहती है कि किसी दो नंबर को आप साथ में एसोसिएट कर सकते हो, है ना। अब यहां पर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, देखिएगा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है ना, अगर मैं जीरो में किसी नंबर, किसी नंबर, एक मेरे पास एक होल नंबर है ए, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है ना, तो इस ए में अगर मैं जीरो को ऐड कर रहा हूँ और यदि मैं जीरो में एक नंबर ए को ऐड कर रहा हूँ तो बात कैसी होगी, इक्वल होगी। अगर मैं सेवन में जीरो को ऐड करूँ और जीरो में सेवन को ऐड करूँ, बात क्या है, सेम होगी, हाँ होगी, क्योंकि जीरो प्लस सेवन भी क्या होता है, सेवन होता है, और सेवन प्लस जीरो भी सेवन होता है कि नहीं होता, इसलिए ये बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, जीरो को ऐड करना, जीरो को पहले ऐड कर दो, चाहे जीरो में ऐड कर दो या जीरो को ऐड कर दो, बात एक ही होती है, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज है कुछ, इनको नोट करते जाना आप पॉज कर करके। अब मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मैजिक स्क्वायर की बात करते हैं हम, मैजिक स्क्वायर, भाई ये स्क्वायर, स्क्वायर तो सब समझते हैं ना, है ना, सेम विड्थ एंड सेम लेंथ का एक अपने पास, तो यहाँ पे एक अपन बॉक्स मान ले रहे हैं जिसमें ये तो क्यूबॉइड जैसा हो रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा होगा वैसे आपको, ठीक है ना, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन
2, 3। हम इसमें जो नंबर्स होते हैं इसको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। कि मैजिक्स मतलब इसमें एक मैजिक होता है, जादू दिखता है अपने को। क्या जादू दिखता है इसमें? जादू ये दिखता है कि कहीं से भी आप नंबर्स को ऐड करो, उन होल नंबर्स को कहीं से भी आप ऐड करोगे, आपको क्या मिलेगा? हमेशा एक ही एडिशन आएगा उनका, है ना। चाहे आप रो में ऐड करें, रो मतलब है ना लेफ्ट टू राइट, या आप अप टू डाउन करें ऐड, या डाउन टू अप करें ऐड, है ना, या आप डायगोनल में करें 1 2 3 ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है ना। हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो एक मैजिक स्क्वायर का एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे आपने ले लिया एक नंबर, ले लिया 15 8 13, 15 8 13, और फिर एक नंबर और ले लिया आपने 10 12 14, फिर आपने 11 16 और 9। अब ये नंबर्स को आप कहीं से भी ऐड करिए, देखिए इनका सम जो आएगा वो कितना आएगा? 36 ही आएगा। 15 8 कितना हो गया? 23, और 23 में हम 13 ऐड करेंगे कितना आएगा? 36 आ रहा है, ठीक है ना। 11 12 23, और 23 में अगर मैं 13 को ऐड करूं तो कितना आएगा? 36। फिर 15 12 27 27 9, 36 यहाँ भी आ रहा है। ऐसे में करके देख लीजिए 12 और 8, 20 20 प्लस 16, 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे में 11 16 9, यहाँ पर देखिएगा आप, ये हो रहा है 27 प्लस 9 36, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में आपका जो एडिशन है वो आपका कितना आना चाहिए? 36। इसको बोलते हैं, इस टाइप के जो आपके कॉलम्स होते हैं या इस टाइप के जो स्क्वायर्स होते हैं उनको अपन मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ओके। चाहे रो में जोड़े, कॉलम में जोड़े, या फिर डायगोनल में जोड़े। डायगोनल यानी तिरछे में, क्रॉस में, ऐसे, है ना, इधर से ऐसा इधर से ऐसा, हर कंडीशन में आपका सेम आएगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फिल इन द ब्लैंक्स की। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है इन द ब्लैंक्स, आप कर सकते हैं इसको, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स कह रहा है 178, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ब्लैंक इज इक्वल टू 725 प्लस 178। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को चेंज करना। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? 725 प्लस 178 इक्वल आना चाहिए 178 में। मैं क्या जोड़ूंगा, मैं क्या जोड़ूंगा 725, भाई ये आगे ये पीछे, यहाँ पर ये वाला आगे ये पीछे, इसी को देख के लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इक्वल आएंगे नहीं आएंगे? आएंगे। फिर जीरो में 446 जोड़ रहे हैं, 0 प्लस 446 इज इक्वल टू ब्लैंक प्लस जीरो। तो क्या जोड़े हैं ऐसा? तो क्या जोड़ेंगे? 446 ही तो जोड़ेंगे, तभी तो इक्वल आएगा, है ना। फिर थर्ड है आपका ब्लैंक प्लस 198, ब्लैंक प्लस 198 इज इक्वल टू 198, बताइए क्या आएगा? अरे भैया इसमें क्या जोड़ देंगे तो 198 आ जाएगा, तो जीरो जोड़ देंगे, जीरो में 198 जोड़ देंगे तो 198 आ जाएगा। फिर फोर्थ वाला 476, 746 प्लस 120 प्लस 240। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। इन दोनों को साथ में लिया, इसको अकेला छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ब्लैंक 120 प्लस 746, अब साथ में क्या रह गया? क्या रह गया बताइए मुझे, साथ में क्या रह गया? 240 रह गया, 240 और जोड़ लीजिए, है ना। तो ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इनको लिख सकते हैं आप। एक्सरसाइज करते हैं, एड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक बाई यूजिंग अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। इनको जोड़ना है अपने को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखना है कि ये सही आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। इनको जोड़िएगा, देखिए 7 5 7 12 कैरी 1, 7 7 4 11 कैरी 1, 6 6 3 कितना हो गया? 9, ठीक है, 9 1 2। अब 9 1 2 है, और इसको अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में करके देखें
तो देखिए आप 3 4 5, इसको इसमें या इसको इसमें जोड़ोगे तो सेम ही तो आएगा ना, तो इसमें भी क्या आएगा 9 1 2, ठीक है ना। तो चेक करके आप देख लीजिएगा ये सेम आएंगे ना, पहले मैंने इसको इसमें जोड़ा, जो एडिशन आएगा वही इसको इसमें जोड़ने पर एडिशन आएगा, ठीक है। कभी गलत हो ही नहीं सकता, 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, हमेशा सेम आएगा। तो ये कोई बहुत बड़ा सम नहीं था। हाँ अब है थोड़ा सा रीअरेंज द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग सम बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना। अपने को नंबर्स को रीअरेंजमेंट करना है, तो नंबर्स का रीअरेंजमेंट करेंगे हम तो कैसे जुड़ेंगे वो, ये अपने को देखना है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द फॉलोइंग सम बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। इन नंबर्स को अपने को रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट करना मतलब पहले जिन नंबर्स को जोड़कर देखना है, ये वाला नंबर प्लस 700 प्लस 647, ठीक है ना। 7 कितना हो गया, 703 कितना हो गया, 10, कैरी 1 505, फिर 10, फिर कैरी कितना हो जाएगा 177, 14 और 9 कितना हो गया 20, 14 और 9 23, आंसर क्या जाएगा ये जाएगा। अब इसको एक फॉर्मेट में तो आपने ये जोड़ लिया, एक रीअरेंज ऐसा करके देख लेना, पहले 700 लिख लिया, फिर 953 प्लस फिर 647, ऐसे करके भी ऐड करके देख लेना, और एक आप ऐसे करके भी ऐड करके देख लेना। कैसे करके देखेंगे, 647 प्लस 700 प्लस 953, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर कितना आ रहा है, 2300, ठीक है। इसका सेकंड वाला आपको करना है और उनकी पोजीशंस को चेंज कर करके आपको इनको ऐड करना है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में भी आपका आंसर कितना आएगा, 2300, इस कंडीशन में भी कितना आएगा, 2300, चाहे तो आप ऐड कर, भाई किसी में किसी को जोड़ लो ना, जब तीनों को जोड़ रहे हैं तो कहीं किसी भी प्लेस पे किसी को रख दो तो ये सेम नहीं आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आप भी कर लोगे घर पे और मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, कितना है 3518 प्लस 777 प्लस 223 प्लस 482 इज इक्वल टू कितना है। देखिएगा 2355 और 7 कितना हो गया 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 0, है ना। 12 और 8 20 हो रहा है तो 0 हो जाएगा। अब 2 कैरी आई तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, फिर से 2 आ जाएगा। 4 टू 6, 6 और 2, 6 और 2 8, 8 7 कितना हो गया 15, 15 और 5 फिर 20 कैरी में, फिर 2 तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 1 का 1 ही 1, ठीक है। तो कितना आंसर आ रहा है 15000, 15000, 15000 आ रहा है। अब आपका इसको कहीं भी अरेंज करके देख लेना, आप 777 प्लस 223 प्लस 482 प्लस 135 81 ऐसा करके देख लेना, 518 है ना, ऐसा करके देख लेना, जब भी आपका यही आएगा। फिर आप ऐसा करके भी देख लेना, 223 प्लस 482 प्लस 777 प्लस 135 18 ऐसा करके देख लेना, या इसको यहाँ इस प्लेस पे रख लेना, 1482 प्लस 777 प्लस 15318 प्लस 223, हर कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा, कितना ही आएगा, ठीक है, ये आपका आंसर सेम आएगा, ठीक। अब एक्सरसाइज हम करते हैं 2.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम। सम निकालना है, एक करा दे रहा हूँ, सम मतलब सिंपल एडिशन निकालना है, आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने सेकंड थर्ड क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो
वो आपको छोटी छोटी चीजें बार बार नहीं कराऊंगा, है ना। सम निकालना है आपको, फाइंड द सम। फर्स्ट है आपका, फोर्थ क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, है ना। बुक है सबके पास, 8469 प्लस 444×9 है ना, 9999। इसको करना अपने को, तो इसमें देखिएगा 9 और 9 18 का 8 कैरी 1, 9 1 10 10 और 6 कितना हो गया 16 कैरी 1, ये जाएगा 10 10 और 4 14, 4 कैरी 1 10 10 और 8 18, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 18468। इतना ही करना, फाइंड द सम। सम निकालना है, सम निकाल लेना, फर्स्ट मैंने करा दिया, सेकंड आप घर पे कर लेना, इजी है, ऐड करना है कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट है, फॉर एनी होल नंबर ए बी सी द प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी इज ट्रू, है ना। ए बी सी की किसी वैल्यू के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी कि नहीं होगी, है ना। और जहाँ ए बी सी अपने क्या लेना है, होल नंबर लेना है। होल नंबर लेना है तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, लेट ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया 2, है ना। बी इज इक्वल टू कितना मान लिया 3 एंड सी इज इक्वल टू कितना मान लिया 4, ठीक है। अब अपने को प्रॉपर्टी रखनी है, प्रॉपर्टी कौन सी है अपने पास, कौन सी प्रॉपर्टी है, उसका नाम प्रॉपर्टी का नाम है, हमने को एक एग्जांपल देना है तो अपन ने इनकी वैल्यूज रखनी है। अब अपने को एग्जाम्पल देना है तो अपन क्या करें, प्रॉपर्टी का नेम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भाई, यदि मैं ए प्लस बी, ए प्लस बी में सी को ऐड कर दूं या ए को बी प्लस सी में ऐड कर दूं, बात इक्वल होनी चाहिए। ए की वैल्यू रखूंगा, ए की वैल्यू कितनी बेटा, ए की वैल्यू मेरे पास 2, बी की वैल्यू 3, ठीक है ना, प्लस सी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 प्लस बी की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 4, कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 7, कितना हो रहा है 9 इज इक्वल टू 9। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टी, यस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ ए बी सी, है ना। यस ऐसा लिख देना, यस दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ये एंड का सिंबल बनाया है, ए बी एंड सी है वो, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये हो गया हमारा, अब हम एक करते हैं मैजिक, मैजिक करके देखते हैं, है ना। इरेज कर दूं बेटा, पॉज करके नोट कर लेना। अब बात करते हैं मैजिक की, मैजिक है अपना कंप्लीट द फॉलोइंग मैजिक स्क्वायर बाई राइटिंग द मिसिंग नंबर्स, ठीक है। ये मैंने मैजिक स्क्वायर बनाया, 1 2 1 2 3, ठीक है। नंबर्स है मेरे पास 15, 12 और 9, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये मेरा जो सम हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 15 और 12 कितना हो गया, 15 और 12 मेरे पास हो गया कितना, मेरे पास हो गया 15 और 12 27, 27 और 9 36 आ रहा है इसमें, है ना। तो हर एक उसमें 36 आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 15, अब मुझे यहाँ पे कितना लिखना है, यदि मैं यहाँ 8 कर दूँ तो 15 और 8 कितना होगा 23, 23 मैं और 13 को ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है 13 और 9, ये कितना हो रहा है 22, 22 हो रहा है। यहाँ पे कितने की ज़रूरत हो रहा है, यहाँ पे 14 की और ज़रूरत है, ठीक है ना। अब देखिए ये 14 और 12 कितना हो रहा है 26, अब यहाँ पे कितने की जरूरत है 10 की जरूरत है, ठीक है ना। अब 15 और 10 कितना हो रहा है, 15 और 10 मेरा हो रहा है 25, अब 25 हो रहा है तो मुझे कितने की जरूरत है 11 की और ज़रूरत है, तो 36 हो जाएगा। अब ये देखिए ये हो गया 20, 11 और 9 20, तो कितने की जरूरत है 16 की और ज़रूरत है,
तो ये अपना मैजिक स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मैजिक की बात करते हैं अपन। कौन सा वाला है? एट फाइव टू है ना। देखो ये कितना हो रहा है, एट फाइव टू, ठीक है ना। यहाँ पे नाइन दिया गया है। अब देखिएगा, एट फाइव टू हमारा मैजिक स्क्वायर जो रहता है उसमें हर जगह, हर रो, हर कॉलम में, हर रो में और हर डायगनल में, यानी ऐसे में है ना, ऐसे में, ऐसे में आपके जो नंबर्स का जो एडिशन आता है या सम आता है वो इक्वल आता है। ऐसे में मेरे पास कितना आया, एट और फाइव कितना हो गया, थर्टीन और टू फिफ्टीन आ रहा है, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, ये मेरे पास नंबर है नाइन और फाइव, नाइन और फाइव को मैं ऐड कर रहा हूँ, कितना हो रहा है, फोर्टीन हो रहा है, फोर्टीन हो रहा है, मुझे लाना फिफ्टीन, तो मुझे कितना और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे वन और बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए एट और वन, ये कितना हो गया, एट और वन मेरे पास हो गया कितना, नाइन। अब मुझे कितना करना है, फोर्टीन करना है, इसको फोर्टीन करना है, इट मीन्स मुझे कितना और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, फाइव। अब मेरे पास ये नंबर भी निकल के जाएगा, देखो ये टू और ये फाइव कितना हो रहा है, सेवन। अब मुझे इसको कितना करना है, फिफ्टीन करना है, फिफ्टीन करना नहीं, कितना इसको कितना करना था अपने को, फिफ्टीन करना है ना, या सिक्स आएगा बेटा, ठीक है, ये सिक्स आएगा। अब ये कितना हो रहा है, टू और सिक्स कितना हो रहा है, एट। अब यहाँ पे एक नंबर और लाना पड़ेगा ताकि ये फिफ्टीन हो जाए, तो एट में ऐसा क्या जोड़ दूँ, तो मैं सेवन जोड़ दूंगा तो फिफ्टीन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया, सेवन और फाइव कितना हो गया, ट्वेल्व। इसमें कितना और जोड़ूंगा, थ्री जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, फिफ्टीन। अब ये एट और थ्री इलेवन हो गया, इलेवन में कितना और जोड़ दूंगा, फोर, फोर और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास, फिफ्टीन। अब इसको कहीं से भी जोड़ के देख लो आप, आंसर्स क्या आएंगे आपके, इक्वल आएंगे, ठीक है। इनके सारे सम कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने मैजिक को करना सीख लिया है ना, मैजिक स्क्वायर सीखा, फिर उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है ना, एडिटिव जीरो। तो ये तीन चार प्रॉपर्टीज हमने समझी हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं। इसमें सबसे मेन कौन सा था, मैजिक स्क्वायर। अब मैजिक स्क्वायर आपको आना चाहिए, मैं कुछ आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें और इजीली, है ना। जो आप एक गेम खेलते थे जिसको अपन बोलते थे जापानीज लैंग्वेज में सुडोकू, ऐसा कुछ नाम था है ना, मोबाइल में भी आता था पहले, है ना। तो वो क्या होता था, वो एक टाइप से क्या मैजिक स्क्वायर ही था, है ना। बहुत बड़ी एक क्या होती थी, पजल होती थी, उसमें अपने को देखना होता था उसके हर डायगनल का, हर रो का, हर कॉलम का सम सेम आना चाहिए, जैसे जैसे आप उसमें जीतते जाते थे। तो ऐसे ही है मैजिक स्क्वायर है, ये 4x4 का, 3x3 का, है ना, 5x5 का भी हो सकता है। तो इतना मैंने आपको सिखाया, अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंप्लीट कराऊंगा। तो जब तक के लिए आप लोग असाइनमेंट कीजिए, होमवर्क कीजिए और अपना ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विथ अस।